जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसानों के साथ साथ महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है। मैनिफेस्टो में हरियाणा के सभी अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी देने का वादा भी किया है। बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में मैनिफेस्टो जारी किया था और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद थे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह मैनिफेस्टो चुनावी नहीं है। बीजेपी ने महिलाओं को लाडू लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने का वादा किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 100 रुपये ज़्यादा है। बीजेपी ने आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 साल से ज़्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और MSP पर 24 फसलों को खरीदा जाएगा। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी मिलेगी। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर मिलेंगे और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को 5 लाख घर दिए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोसिस की सुविधा। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी होगी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और अब्बल बालिक योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली हर एक छात्रा को स्कूटर मिलेगा और हर हरियाणा के अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। केंद्र सरकार के सहयोग से कई रैपिड रेल सेवाएं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी और भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले OBC और SC जातियों के हरियाणा के स्टूडेंट्स को पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। छोटी पिछड़ी समाजों की 36 जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड होगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में हरियाणा की जनता से वादे किए हैं। थैंक यू।